स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि वन साइड एंड कॉरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड ऑफ ए पेले आर 50 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर जैसे ये पैलेलोग्राम बना है तो इस पैलेलोग्राम में एक साइड एक साइड को हम ये स्पोज कर लेते हैं कि साइड ए बी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड होगा उसको हम ये सपोज कर लेते हैं डी ई तो हमें ये गिवन है कि ए बी ए बी फिफ्टी है और डी जो डी ई हमारे पास है वो एट है दूसरी कंडीशन है कि इफ़ द अदर अल्टीच्यूड इज़ फोर सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पेयर ऑफ पैनल साइड्स तो पहले हम यहाँ से जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ से हम इस का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो एरिया इसका आ जाएगा बेस इनटू हाइट तो बेस हमारे पास है फिफ्टी और हाइट है एट तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया इसका एरिया अब उसने सेकंड कंडीशन में कहा है कि अगर दूसरा जो अल्टीच्यूड है दूसरा अल्टीच्यूड जो है वो इस तरह से बनेगा अगर हम यहां से इसको ड्रॉ करें तो ये अल्टीच्यूड बनेगा दूसरा ये अल्टीच्यूड हम ले सकते हैं दूसरी साइड जो दूसरी साइड है ये वाली साइड के ऊपर जो अल्टीच्यूड है ये अल्टीच्यूड अगर फोर सेंटीमीटर है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पेयर ऑफ पैरल साइड तो ये जो पे अदर पेयर का मतलब होगा एक पेयर ऑफ पैरल साइड हो गया दूसरा पेयर ऑफ पैरल साइड हो गया ए डी और बी सी तो ये जो पेयर ऑफ पैरल साइड है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है क्योंकि ये तो फिफ्टी हो जाएगी ये तो सामने है, तो होगी तो ये वाली हमें लेंथ फाइंड करनी है ये वाली तो इसके क्योंकि ये सेम है तो एरिया सेम रहेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया जो था फोर हंड्रेड बेस हमें फाइंड करना है बी सी हो गया बेस और हाइट हमें गिवन है फोर तो बेस इंटू फोर इक्वल टू फोर हंड्रेड तो यहाँ से हम बेस जो सेकेंड बेस है वो फाइंड कर सकते हैं फोर हंड्रेड और फोर इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो जो सेकेंड पैरल साइड आएगी सेकेंड पेयर ऑफ पैरल साइड जो 100 yes है वो आएगी हंड्रेड सेंटीमीटर ये इसका आंसर है थैंक यू